भाई कहीं निफ्टी फंस गई है ओए लाइट गाइस लाइट भी लग गई लिफ्ट बंद हो गई है मैंने बोला यार कि यहाँ पे बैठ के बीच में बैठना फोटो वगैरह खींच कर आएंगे हुक्का वगैरह पिएंगे एंड तुम वगैरह चलो यार वहाँ पे अपना वो पोजीशन वगैरह करा रहे हैं फटाफट से एक मिनट में गाड़ी पे बैठने का पूछ रहे वो देखो वहाँ पे वो बंदा गिर रहा है ना तो यहाँ पे अपने पैर करने का पूछे वो देखो वो बंदा गिर रहा अरे सुनो अपने ब्लॉगर्स को उतना स्वागत वाला कमरा तो दिखा के भाई भाई गाइस बता आपको भाई यहाँ पे रूम है आपको दिखा के लाता हूँ देखो अरे जो नदी बह रही है यहाँ पे यार शांति है गाइस असल से मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ परमानेंट यार चंडीगढ़ या हिमाचल साइड सब्सक्राइब टू सक्षम व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन सो व्हाट इज अप गाइस सक्षम व्लॉग्स बैक अगेन सो गाइस आज का व्लॉग भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में ना आज मैं अपना दिल्ली से मनाली जा रहा हूँ क्योंकि गाइस आज तक मैंने अपनी लाइफ में यार बर्फ को नहीं देखा बट यार मनाली में ना यार बर्फ गिरी है स्नोफॉल हो रही है सो यार बहुत ज्यादा अमेजिंग व्लॉग होने वाला है गाइस आप वीडियो को अभी से गाइस आप लाइक शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप फटाफट से गाइस मैं आपको ना बर्फ दिखाऊंगा यार बहुत ज्यादा बढ़िया व्लॉग होने वाला है एंड इससे पहले गाइस मैं दिव्या की शादी पे चंडीगढ़ गया मैं शिमला गया था चंडीगढ़ टू शिमला वैसे गया था तो वहाँ का भी आप ब्लॉग वगैरह प्रॉपर एडिट हो चुका है यूट्यूब पे डालना है बस टाइम नहीं मिल पा रहा है यार तो एडिट वगैरह प्रॉपर कर चुका हूँ बस अपलोड करना बाकी है वहाँ पे भी यार मैंने बर्फ वगैरह देखी थी क्योंकि वैसे मैंने अर्षण ऐसे पहाड़ी इलाके पर नहीं गया मैं गोवा मतलब बीचेस वगैरह पे गया हूँ बट मैं पहाड़ी इलाके पर ना गया हूँ बचपन में गया था बट याद नहीं अभी तक यार क्योंकि यार अकेले फैमिली के साथ जाकर ना डर लगता है क्योंकि फैमिली को कि यार बच्चा अकेले जा रहे हैं तो पहाड़ वगैरह पर हरकत ना कर क्योंकि रिस्क ही रहता है यार तो इस बार भाई फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग लोग होने वाले हैं सो कार करिए मतलब मुझे अपनी क्रेटा निकाल रहा है तो ड्राइवर बुलाया क्योंकि पहाड़ पे यार कार चलाना बहुत ज्यादा टफ होता है सो आप व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है काफी ज्यादा प्यारा लोग होने वाला टाइम देख लो क्या हो गया ये देखो यार सवन हो चुके हैं 15 दिसंबर है एंड यार फोन मैंने चार्जिंग में लगा दिया था तो क्योंकि यार चार्जिंग होता था मैं भूल भी जाता है फोन वगैरह वेयर वगैरह सब चार्जिंग में लगा चुका हूँ एंड गूगल्स वगैरह लेने बस वो ढूंढने बाकी देख सकते हो कपड़े गाना पूरे फैल हुए हैं देख सकते हैं अरे मम्मी आके थोड़ी हेल्प कराएगी सो भाई पैक बात बताऊँ यार अभी से आपने मतलब व्लॉग का ना बिल्कुल एंड तक हो गया इसमें एक एक नंबर के आउटफिट्स लाए हूँ सो आज के व्लॉग में तो मैं अपना दिखाऊंगा कि दिल्ली से शिमला मतलब मनाली कैसे जा रहा हूँ रास्ते में जो भी कुछ होगा वो सब दिखाऊंगा एंड फिर वहाँ पे पहुंच के फिर उसके लिए अगला ब्लॉग बनाऊंगा उसके लिए फिर अगला ब्लॉग मैं नेक्स्ट टोटल 3-4 ब्लॉग बनाऊंगा सो गाइस ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना तो फटाफट से कैसे मिलता हूँ आपको कहीं सीधा कार में बैठ के या तो रेंट वगैरह होगा जब घर से निकलूंगा तब दिखाऊंगा तो वैसे शेर कुछ होने जा रहा है मुझे तो रिसा जा चुके हैं मम्मी पीछे पीछे आ रही है फटाफट जैसे रसमान गाड़ी रखता हूँ फिर आपको मिलता हूँ आगे 24/7 आए थे यार पानी की बॉटल चाहिए थी क्योंकि यार रास्ते में ना पानी लेके तो आने बोल गए क्योंकि इन सब मुझे ना बॉटल गई थी पेटी लाने के लिए बोली थी बट मैं लेके आया आप लोगों को पता ही है इस काम से आप भाई कितना बचता है यार तो फटाफट देखते हैं पानी वगैरह देखते हैं पानी 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 विनी तू भाई यार पानी वहाँ का जा रहा है भाई वाला पानी लेना है भाई बिसलेरी का लेना है बिसलेरी नहीं होती यहाँ पे तो ब्लैक करंट सोडा लेना तो चलो फिर आप ये ले लो तो इनके फुहार बड़े बड़े वाले वो भी टपा लेके जेब में चलता है पानी लेगा पानी है विनीत चलो गाइस फटाफट से कैसे करना पानी वगैरह लेते हैं फिर आपको गाइस मिलता हूं सीधा कार में जाके भाई सभी ना मन्ना ढाबे के आगे रुके थे तो यहाँ पर ये बच्चा मिला बट ये ना कुछ खा नहीं रहा क्योंकि ना यहाँ पे कोड़े में डाल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ खिलाऊँ बट यहाँ पर दूध वगैरह मिल नहीं पाएगा तो इसका फल कहता बेसिकली आया था बट खा नहीं रहा है बाकी देखते हैं क्या सीन होते हैं मुदीद वगैरह का हाय मुदीद मुदीद हेलो करता है व्लॉग में मुझे नहीं खड़ा भाई तो यार मुझे यार खड़ी बाकी मन्नत जाके रुके थे अब यार फटाफट से कैसे मैं आपको ना कुछ खाऊंगा फिर तो कैसे आपको सीधा वो दिखाऊंगा बाकी यार जो भी सीन होगा ना कैसे आपको वही दिखाऊंगा जाके यार बाकी देख लो लाले को सेक्सी लग रहा है भाई हमारा भाई कुणाल खड़ा है वो हमारा विनीत खड़ा है सो गाइस इतनी दूर आए हूँ दूध लेने कुत्ते के लिए और ढाबा पता है कहाँ पे है वो देखो यार बहुत ज़्यादा दूर ढाबा यार क्योंकि यार वो ना बेचारे यार वो ना अपने रोड पे ना डस्टबिन में बहुत ऐसे देख रहा था यार तो मेरे से ना देखा नहीं गया यार वो बाकी वहाँ पर अपना थोड़ा बैग वगैरह सेट कर रहे हैं पीछे तो फटाफट से कैसे मैं भाग के चलता हूँ क्योंकि यार बहुत दूर आ चुका हूँ मैं वो ढूंढ रहा हूँ उन्होंने पॉलिथीन लेने के लिए भेजा था फटाफट से कैसे भाग के जाता हूँ फिर उसको दूध पिता दिखाता हूँ आपको सो यार बेबी फाइनली दूध पीने लगी है सॉरी सॉरी पीले 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 तो इसमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकता यार कि मतलब इतना ज़्यादा कुछ सेट सफ़ेद करता है इसको दूध लाते हैं अब फटाफट जाकर यहाँ से निकलते हैं अपना बैग वगैरह सेट कर रहे हैं अब जैसे गाइस अपने यहाँ मन्नत से यहाँ से निकलते हैं कुछ खा पी के फिर आपका सीधा बाहर जाकर दिखाऊंगा कि क्यों भी सीन होता है आपको सीधा दिखाऊंगा बोले भी जाना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कसम से यार बहुत ज़्यादा ठंड हो गया भाई सीरियसली बच्चे को दिखाया कितना ज़्यादा प्यार लग रहा है कसम से यार मैं बहुत ज़्यादा दूर भाग के गया था बाकी मैं वो नहीं कर रहा कि दिखा नहीं रहा कि मैं इसको दूध पिला रहा हूँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा दूर भाग के गया था यार चलो यार मिलता हूँ आपको कुछ खा पी के आज कुछ खिलाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा तो गाइस अभी रात के ना 2:30 बज रहे हैं और अच्छा वाला भाई हम ना सुखदेव में रुके थे एक लाइट ऑन कर देता हूँ गाइस अच्छा वाला ना सुखदेव में रुके थे विनीत अपने ये बैठा हुआ है एंड कुणाल एंड अपना यार मोदी भाव वॉशरूम करने गए क्योंकि भाई यहाँ पे इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है ना और अभी आए हम ये गाइस हमें कच्चे रस्ते से अंदर आ रहे हैं और बाकी यार मतलब सच्चे में ये अंकल ड्राइवर अंकल गाड़ी चलाने वाले अंकल जी फटाफट से गाइस अपना यार कहीं गाड़ी रोकते हैं भूख लगी है
कुछ खाऊंगा आपको भी खाऊंगा, जो भी कुछ खाएंगे वो क्या बोला बोला चिप्स वगैरह खा के पेट ही भर चुका है, देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे चिप्स वगैरह। कब से विनय भाई चिप्स नहीं खा रहे हम? भाई चिप्स खा रहे हैं तब से, गाइस हम चिप्स ही खा रहे हैं देख सकते हैं। अब यार फटाफट से ना कुछ ना रुकते हैं, फिर खा पी गया कुछ खाते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भड़क लगे, भूख लगे बहुत ही। और अब यार यहाँ पे रोके क्योंकि हम मोदी तो खुला पीछे रह गए, वो भाग भाग के आएंगे, फिर फटाफट से कैसा मिलता है कुछ जो भी खाऊंगा वो दिखाऊंगा। बाकी कैसा जाम देख लो यार, बहुत ज़्यादा भयंकर जाम लगा हुआ यार, देख सकते हो सारी यार जो भी अपनी गाड़ियों को मैं शीशे नीचे करके दिखाता हूँ। मुझे देखो गाइस आप जाम देखो पीछे तक कितना है, मतलब गाइस पूरा पीछे तक गाइस जाम ही जाम है प्रॉपर, मतलब यार पूरे रास्ते में जाम ही जाम है। अब फटाफट से गाइस हम दोनों आ जाते, जो भी सुनागा सीधा वही दिखाऊंगा जाके आपको। सो गाइस अभी हम आए थे झील में ढाबा पे आकर रुके थे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लगी, टाइम पता है क्या हो गया रात के, आप टाइम देखो भाई गाइस इतना ज़्यादा जाम था यार, चार बज चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, 4 बजे परांठे खाएंगे अभी यार झील में ढाबे पे। तो यार फटाफट से गए अपना खाना वगैरह खाते हैं, बाकी यार वॉशरूम फ्रेश वगैरह हो गया आता हूँ, जो भी सीन होगा ना गाइस आपको सब दिखाऊंगा। अब फटाफट से गए थे ना वॉशरूम हो गया आता हूँ और चलते अपना ढाबे के अंदर, तो यार फिर जो भी कुछ खाना का मिलेगा ना। तो गाइस खाना आ चुका है, फटाफट से गए अपना खाना वगैरह खाते हैं, पेट भरेगा यार क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फटाफट से खाना वगैरह खाता हूँ और फिर आगे देखते हैं, बाकी आप कुनाल को नशे हो गए गलती वाले यार। फटाफट से अपने खाना वगैरह खाते हैं फिर आगे देखते हैं क्या सीन होता है। गाइस खाना बहुत ज़्यादा यूम है सीरियसली यार, मजाक सट के मज़ा आ गया, अमेजिंग ये भैया लाए खाना, बाकी ड्राइवर को भी साथ में खाना खा रहे हैं, ड्राइवर को भी खा रहे हैं, बाकी लाला को नशे रखे कुनाल को। फटाफट से अपने खाना वगैरह खाते हूँ, खाता हूँ जो तेरी मर्जी है, फिर मिलता हूँ सीधे बाहर जाके। बाकी सबने बटर रोटी खाई पर मैं प्लेन रोटी खाता हूँ, अरे यहाँ पे ना दूध होता कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है सीरियसली यार, ये देखो इतनी ठंड है आपको मैं क्या ही बताऊँ यार, ये देखो बहुत ठंड है और नज़ारे तो एक नंबर के आने वाले हैं। अब फटाफट से चलते हैं, अब आपको सीधा मिलूंगा मैं ऊपर जाके। तो गाइस अभी ना ऐसे वहाँ पे ना वो सारे वो देखो मुझे दो खड़ा वो यार चाय वगैरह वहाँ पे वो तो यहाँ पे बाहर आके पी रहे यार। यहाँ पे अपना यार सारी देखो पीछे से नज़ारा भाई साहब, मैंने यार अपना टोपी यार पहले थोड़ी यार मैंने बाहर निकाली क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और आई नो मुझे यार बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है टोपी में यार, बट गाइस यहाँ पे नज़ारा देखो यार जो नदी बह रही है यहाँ पे यार शांति है गाइस असल से यार, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ परमानेंट यार चंडीगढ़ या हिमाचल साइड, कितनी शांति है गाइस देखो यार, होए होए मज़ा आ जाएगा, शांति शांति ऐसा फील करो देखो अब शांति थी देखो देख रहे हैं वहाँ से मुर्गे की आवाज़ आ रही है, कितनी शांति है गाइस कितनी शांति है। अब चलो गाइस फटाफट से अपना ना कार में बैठते हैं, अब सीधा यार मैं ना कुल्लू जाके रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे ना ठंड भी हो रही है, मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया, शॉल वगैरह सब निकाली, लोई वगैरह, अब फटाफट से चलते हैं सीधा मिलता हूँ आपको मैं कुल्लू जाके। सो गाइस अभी यार वहाँ पे ना जाम लगा हुआ है, 12 बज रहे हैं वो देखो यार, बाकी यार शिमला में हम ना प्रॉपर एंटर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जाम है गाइस सीरियसली यार अभी, क्योंकि गाइस यहाँ पे सामने ना कुछ ना रोड वगैरह बन रही है इस चक्कर में गाइस लेकर जाम है, तो आगे देख के आते हैं गाइस क्या सीन है यार। बाकी यार यहाँ पे देख सकते हो यार मिट्टी उड़ा गया ट्रक यार, शिट वापसी गाड़ी में बैठा जाके यार, क्योंकि आपको पता गाइस आपके भाई को ना मिट्टी से बड़ी चिड़ है, फटाफट जाके ना अपना गाड़ी में बैठता हूँ फिर आगे देखते हैं क्या सीन होता है यार, सोचो मैं आगे चले जाता हूँ मुझे भी आ गई है, नहीं यार मैं वापसी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, फटाफट जाके अपना गाड़ी में बैठता हूँ। कुणाल ये रहा, हाँ भाई कुणाल बहुत दूर तक जाना भाई, कुणाल ना सुनवाती रहते हैं इसको, कुणाल को आप लोग में लूँगा ही लूँगा, आओ लोग में आओ, तो पहले हेलो कर कुणाल कह रहे हैं मेरी मम्मी ब्लॉग देख लेगी क्योंकि गाइस पता क्या सीन है, कुणाल ने अपने घर पे नहीं बताया तो अंकल कह रहे हैं ड्राइवर बंद करो, चलो भाई चलो गाइस जाम खुल गया फटाफट चलते हैं अपना आगे, अब सीधा गाइस आपको मैं जाके मिलूंगा सीधा कुल्लू में, देख सकते अपना वॉल्वो वगैरह भी यहाँ से निकल गया लॉन्ग वे से यार, हम भी निकलते हैं फिर अपना, बाकी देखो यार पहाड़ी बैठे हैं। तो अभी भाई पैराग्लाइडिंग का पूछा था वो देखो वहाँ पे वो बंदा गिर रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने पैराग्लाइडिंग का पूछा वो देखो वो बंदा गिर रहा, तो भाई फटाफट से अभी होटल चलते हैं, पैराग्लाइडिंग में आएगा कौन सा बता ही दिया, 2500 रुपये कुछ कह रहे थे, बाकी यहाँ पे अपना बार्गिंग करो ढंग से प्रॉपर यार, क्योंकि जितनी बार्गिंग करोगे बस देख लो इसको यही आता बोलना, ये इसकी मम्मी को तो भेजूंगा स्पेशली वीडियो, इसने कहा था कि इसने घर पे बोल के आया कार पे इसको देखो शाहरुख खान को छोटा आधे टेम्पू सुनो चाहे नहीं है, चलो यार फटाफट चलो बाजू में। सो गाइस मनाली के अंदर एंटर हो चुके हैं, सामने बर्फ देख रहे हो और यार कुणाल की इसकी मुझे गाड़ी का ना है पता है पोल्यूशन एक्सपायर हो गया था, तो यहाँ पे अपना यार पोल्यूशन वगैरह करा रहा है,
बाकी गाइस पीछे नजारे देखो यार, कितने कैंट नजारे हैं। और बाकी एक और चीज दिखाऊं वो देखो पीछे मेरे गाइस, अल्टीमेट नजारे है भाई, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। एक चीज दिखा के आता हूं आपको गाइस, ये देखो बहुत ठंडा है भाई यहाँ पे मनाली में, बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है कसम से यार। पर मम्मी कह रही थी इतनी है, बट मैं को इतनी नहीं लग रही यार, चंडीगढ़ में लग रही थी, पर ठंड तो बहुत है यहाँ पे। ये देखो भाई यार, यहाँ के पत्थर देखो कितने बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, वहाँ पे भाई देखो नदी बह रही है पूरी प्रॉपर। मैंने बोला यार कि यहाँ पे बैठ के बीच में बैठना, फोटो वगैरह खींच कर आएंगे, हुक्का वगैरह पियेंगे, एंड तुम वगैरह चलो यार वहाँ पे अपना वो पोल्यूशन वगैरह करा रहे हैं फटाफट से, क्योंकि मैं गाड़ी बैठ तो नींद बहुत तेज़ आ रही है गलती वाली, एंड यार मैं ना पैराग्लाइडिंग भी करूँगा एंड साथ में अपना वो भी करूँगा, क्या कहते हैं राफ्टिंग, भाई राफ्टिंग भी तो करूँगा, राफ्टिंग वगैरह करूँगा। अब फटाफट से एक मिनट बैठते हैं गाड़ी में, फिर आगे जो भी सीन होता है वो दिखाता हूँ। बाकी अपना ये पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि भाई पोल्यूशन एक्सपायर हो गया था, बट वो देखो यहाँ पे पुलिस ही वो खड़ी, पुलिस की चेकिंग हो रही है, हमने पोल्यूशन करवा लिया तो उन्होंने यार चेक नहीं करा, बच गए। बाकी लड्डू वगैरह दे के जा रहे हैं, फटाफट से कहीं बैठते हैं अपना गाड़ी में। ये अपना यार पनीर वाले भैया हैं, पनीर वाले बच गया तेरी भाई, इसमें हाथ आ जाता। तो चलो यार फटाफट से कहते बैठते हैं गाड़ी में, अब मिलता हूँ आपको सीधा मैं रोहतांग जाके। गाइस होटल में आ चुके, गाड़ी वो खड़ी है, ब्लैक मैजिक होटल है पूरा प्रॉपर, और यहाँ का गाइस व्यूज एक नंबर है। फटाफट से गाइस अंदर जाते हैं और अपना अंदर जाके गाइस देखते हैं कमरा कैसा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अंदर करके रुक है। फटाफट से चलते हैं अपना अंदर, ये अपना है होटल का रूम है यार, फटाफट से लिफ्ट फंस गई है, मतलब से छोड़ के गाइस लिफ्ट फंस गई है, बहुत ज़्यादा बड़े फील है चारों का भाई, गाइस लिफ्ट फंस गई है लिफ्ट बंद हो गई है यही भाई साहब एक्सपीरियंस करने आए थे बर्फ का, और एक्सपीरियंस करके जा रहे हैं। सो गाइस होटल में अपने आ चुके हैं फाइनल, भाई यार अब रूम का व्यू दिखाते हैं, ये छोटा सा रूम भी है, वॉशरूम मेरा अपना कुनाल गया हुआ है भाई, वॉशरूम का भाई इसका व्यू देखो यार, ओए होए यहाँ पे अपने हुक्का लगाएंगे, और चील देखो यार कितना कैंट व्यू है। सुनो अपने ब्लॉगर्स को इतना स्वागत वाला कमरा तो दिखा के भाई, यहाँ भाई गाइस पता आपको भाई यहाँ पे रहे रूम है, मैं आपको दिखा के लाता हूँ, एक रूम दिखा जाता हूँ आपको, गाइस एक रूम दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट गाइस आपने यार रूम देखो एक मिनट। सो गाइस यही था अपना आज का व्लॉग यार, देख सकते हो अपना प्रॉपर कितना ज्यादा प्यारा व्यू है, अपनी ब्रश वगैरह कर लिया फटाफट से, सब रेडी वगैरह होता हूँ। होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, गाइस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे ऐसे वीडियो आती रहेगी। स्टे ट्यून, लव यू गाइस, एंड फटाफट से आपको अगर अपना यार पूरे जो आउटफिट है ना उसके ना आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता हूँ फटाफट से आपको मैं वीडियो, तो वो भी ना आपको पता है यार मैं पीछे जब शिमला व्लॉग गया था उसमें भी आपको कैसे प्रॉपर दिखाया था, एंड इस व्लॉग में आपको ऐसे आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, तो आपको फटाफट से दिखाता हूँ अपना फटाफट से कैसे गेट खोला यहाँ वॉशरूम है ना, यहाँ पे ना मिरर नहीं है, हाँ हाँ यहाँ पे मिरर है। सो थ्री नहीं 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 इसमें नहीं दिखाऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा यार। सो कर दूंगा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, इस अगली ब्लॉग ही बिल्कुल सभी से स्टार्ट कर दूंगा, उस ब्लॉग में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दूंगा क्योंकि जो कपड़े पहनता हूँ। बाकी यहाँ पे लाइट बंद हो रही थी, मैंने ये चाबी निकाला था जब भी कोई वॉशरूम वगैरह में जाता है, तो वॉशरूम भी सही है, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी ना सही वो बाथरूम होगा, वॉशरूम वगैरह सही है, गर्म पानी आ रहा है कर देता हूँ। बाकी ये सारा सामान आ गया, देखो कट्टे भर के खाना लाए थे सारा चिप्स विप्स। तो चलो गाइस इस व्लॉग को ही एंड करता हूँ, हॉपी ब्लॉग वीडियो को शेयर कर देना, लव यू, एंड शिमला में बहुत ठंडा है पर यहाँ पे बर्फ नहीं गिरी यार, लव यू।